ये वीडियो है टीनेजर गर्ल्स के लिए जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग है, और सबसे मज़े की बात यह है कि विदाउट यूजिंग ब्रश आप लोगों के लिए ये लुक क्रिएट करेंगे जो कि बहुत ड्यूई सी ही लुक है और बहुत सटल सा ग्लैम आई लुक होगा ये। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो आई बेस अप्लाई करनी है। बेस अप्लाई करने के बाद अगर आप लोग बेस अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करिएगा, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है जी ये व्हाइट शीट। इसको फिंगर के साथ मैं बहुत अच्छे से फुल आई कवरेज दूंगी, इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और इसके अलावा ये जो ब्रो बोन का एरिया है उसको भी आप लोगों ने कवर करना है। मैं यहाँ पर बहुत ग्लैम और बहुत ड्यूई सा लुक देने के लिए यहाँ पर अपनी पैलेट में मौजूद सबसे लाइटेस्ट वाला पर्पल शेड यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेचुरल और ग्लैम सा ड्यूई मेकअप हो तो आप लोगों ने बहुत लाइटेस्ट वाले शेड की तरफ जाना है, और आप लोग इस पर्पज़ के लिए कोई भी पिंक शेड यूज़ कर सकते हैं या पीच शेड भी नेचुरल लुक में आएगा। ये पर्पल की शेड बहुत सॉफ्ट है इसलिए मैं इसको आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट पे लगाऊंगी, लेकिन ये फिर भी ज़्यादा अमाउंट में भी लगाने से बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको करूँगी फुल आई कवरेज इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक, और इंक्लूडिंग हम लोगों ने जो ब्रो बोन के एरिया है उसको भी कवर कर देना है ताकि जितने भी दोनों शेड्स हम लोग अप्लाई करेंगे वो बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएंगे हमारी फिंगर की एप्लीकेशन के साथ। अब मैं यहाँ पर आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आईलाइनर हम लोगों ने बहुत बेसिक सा लगाना है, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों को लगाना नहीं आता तो आप लोग सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, विंग बहुत छोटा सा रखेंगे ताकि बहुत नेचुरल सी लुक लगे, और इसके बाद हम लोगों ने करना ये होगा कि मैं इसको अपनी फिंगर के साथ बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी, और आउटर साइड पर मुझे ये थोड़ा सा लाइन नज़र आ रही थी, इसको मर्ज करने के लिए मैं इसको दोबारा से वेट फॉर्म में लगा रही हूँ ताकि उसी वेट फॉर्म में इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँ। इस पर्पज़ के लिए आप लोग वाटर प्रूफ काजल या आईलाइनर अप्लाई करने से अवॉइड करिएगा, वरना उससे ब्लेंडिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रही जी फाइनल लुक, बहुत क्विक सा आई मेकअप लुक है। जो भी लड़कियाँ कहीं भी जा रही हैं बहुत क्विकली आप लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ब्रश, आप लोग इसको लुक को क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो लोग जो कहेंगे आईलाइनर अप्लाई करने के लिए हम लोगों को ब्रश यूज़ करना पड़ा है तो आप लोग इसकी जगह काजल भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ काजल लगाना है, उसको अपनी फिंगर के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर देना है। इस तरह से बहुत नेचुरल सी लुक आती है। यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों के लिए एक बिल्कुल ग्लैम सा मेकअप भी हो जाएगा और बिल्कुल सटल का सटल भी रहेगा। बहुत सारी मेकअप टिप्स के लिए, वीडियोस के लिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट मेरियम आर्ट्स ऑफिशियल के नाम से है जो उस पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे इंस्टाग्राम के अलावा टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आई होप आप लोगों को ये 2 मिनट ड्यू लुक बहुत पसंद आई होगी। मेक श्योर अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। इट्स मरियम आर्ट साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।